हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 7 पढ़ाने जा रही हूँ और इस चैप्टर का नाम है सांप से सामना। इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सन 1908 ईस्वी की बात है, दिसंबर का अंत या जनवरी का प्रारंभ रहा होगा। बड़ी सर्दी पड़ रही थी। भाई साहब ने मुझे बुलाकर कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर के डाक खाने में डाल आओ, तेज़ी से जाना, जिससे कि शाम की डाक से निकल जाए। और मैं और छोटा भाई अपना अपना डंडा लेकर चल दिए। कुर्ते में जेब नहीं थी, इसलिए पत्रों को मैंने टोपी में रख लिया। हम दोनों उछलते कूदते हुए गांव के बाहर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक बड़ा भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। मैंने कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और एक हाथ से टोपी उतारते हुए ढेला कुएं में गिराया। टोपी हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां कुएं में गिर गई। मुझ पर बिजली सी गिर पड़ी। अब घर जाकर रुई की तरह धुनाई होगी, यानी रुई की तरह धुनाई का मतलब बहुत अधिक पिटाई होगी। यह सोचकर शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। मैंने कुएं में घुसकर चिट्ठियां निकालने का निश्चय किया। मुझे विश्वास था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का अर्थ था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में, यानी नग्न मतलब पूर्ण तरह से तैयार रूप में कुएं में बैठी हुई थी। हमारे पास कुल 5 धोतियां थी। हमने धोतियां एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच कर देख लिया कि गांठ कड़ी है या नहीं। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को कुएं के ऊपर रखी मोटी लकड़ी के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को पकड़ा दिया। मैं धोती के सहारे कुएं में उतरने लगा। छोटा भाई फिर रोने लगा। मैंने उसे भरोसा दिया कि मैं नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा। इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय नहीं था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होगा, तब ध्यान से देखा, अकल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ के पास का भाग धरती पर था, आगे का आधा भाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था जो मेरे उतरने की गति से इधर उधर हिलता था। शायद उसी के कारण मुझे उतरते देख सांप घातक चोट करने को तैयार बैठा था। धोती लकड़ी में बंधी होने के कारण कुएं के बीच में लटक रही थी और मुझे भी कुएं के बीच में उतरना था। मैं सांप से 1.5-2 फुट की दूरी पर ही उतर सकता था और इतनी दूरी पर पैर रखते ही सांप चोट करता, पर उतरना तो था ही, ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। मैं धीरे धीरे उतरने लगा। एक एक इंच ज्यों ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों त्यों मेरी एकाग्रचित्तता मतलब मन का स्थिर होना बढ़ती जाती थी। मुझे एक सूझ मतलब युक्ति, दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूंक करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट चला और मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई
लटकती रहीं, पर इससे सांप से दूसरी ओर कुएं में उतरने का इससे सांप से दूरी और कुएं में उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूल कर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। मेरी आंखें सांप के फन की ओर लगी हुई थी कि वह कब किस ओर से आक्रमण करता है। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था, पर जिस विचार और आशा से कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था। आकाश कुसुम मतलब असंभव कार्य। लाठी और डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सके। वहां डंडा चलाने के लिए स्थान न था। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर यदि फन या उसके पास का भाग न दबा तो फिर वह पलटकर जरूर काटता और फन के काटता और फन दबाने की कोई संभावना भी नहीं होती। फिर उसके पास पड़ी हुई दो चिट्ठियों को कैसे उठाता। दो चिट्ठियां सांप के पास सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैतरों पर डटे थे। पैतर मतलब दाव। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमज़ोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे कुचल कर मार देता, पर वह तो अपना विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता, अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार न किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाए। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। जो ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी हुई चिट्ठी की ओर डंडे को बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुफकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंपन हुआ, कंपन मतलब धड़कना, कांपना, और हाथों से डंडा छूट पड़ा। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया। उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा कि डंडे के सिरे पर 3-4 जगह पीव सा लगा था। यह विष था। सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की। मैंने फिर उसी प्रकार चिट्ठियों को उठाने की कोशिश की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से लिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक अथवा भय से अपनी ओर खींच गया और गुंजल्क मतलब क्या गया? कुंडली मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। उफ, कितना ठंडा था। ठंडे डंडे को मैंने एक ओर पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो मैं उछलकर सांप पर गिरता और न बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब बचने के हजारों ढंग निकल आते हैं। वह ईश्वर की कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत चिट्ठियों को धोती के छोर से बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी कठिनाई पड़ी। सांप उस पर धरना देकर बैठा था। मैं हाथ आगे बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता। कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसके दाईं ओर फेंकी। सांप उस पर झपटा और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया, पर बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा न होता तो उसके दांत मेरे पैर में पड़ गए होते। उसके दांत मेरे
पैर में गड़ गए होते। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था। उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा, छाती फूल गई थी, धौकनी चल रही थी, पर एक एक इंच सरक कर अपनी भुजाओं के बल मैं ऊपर आया। ऊपर आकर थोड़ी देर बेहाल होकर पड़ा रहा, बेहाल मतलब व्याकुल। फिर अपने कपड़े पहनकर हम दोनों भाई आगे बढ़े। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल न थी, डंडा था, और डंडे का शिकार, कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था।